नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पर। इस चैनल पर हम राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए इलाज और व्याख्यान बताते हैं। उन्होंने अलग अलग रोगों के लिए क्या क्या इलाज बताए हैं आयुर्वेद के द्वारा, हम ऐसे इलाज के बारे में ही बात करते हैं। शब्द उन्हीं के हैं, केवल आवाज हमारी है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर तरह के बीमारी को अपनी वीडियोस में बताएं। इस चैनल पर हम आपको हर तरह की बीमारी का इलाज दे सके। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आप किसी समस्या के बारे में आयुर्वेद के द्वारा इलाज को जानना चाहते हैं जो राजीव दीक्षित जी ने बताए होंगे, तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफेद बालों को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू तेल बनाने का उपाय जिससे बाल एकदम ही काले हो जाएंगे। और विदेशी तो आजकल सब आयुर्वेद के फॉर्मूलाज को फॉलो करते ही हैं, तो विदेशियों ने भी इस फॉर्मूले को अपनाया है अपने जीवन में। दोस्तों, कम उम्र में जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय होता है। बालों की हेल्थ पर खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालों के असमय पकने को रोकने के लिए चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए, साथ ही अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि में ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। खाने में हमें ज्यादा खट्टा अम्लीय भोजन पदार्थ लेने से बालों पर असर पड़ता है। तेल और तीखा भोजन भी बालों से जुड़ी समस्या को और बढ़ा देता है। इन सब के अलावा मानसिक तनाव, चिंता, धूम्रपान, दवाओं का लंबे समय तक उपयोग बालों को जल्दी पकाने का कार्य करता है। बालों को कलर करना आदि बालों के पकने, झड़ने और दो मुहे होने का सिलसिला और तेज कर देता है। यदि आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो हमारे बताए गए इस नुस्खे को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। बालों के लिए यह नुस्खा एक वरदान है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है इसके लिए? पहले हमें अदरक को कद्दूकस करके शहद के रस में मिलाना है। इसे बालों पर कम से कम सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से लगाना है। इससे बालों का पकना कम हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय, दही के साथ टमाटर को पीस लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और नारियल का तेल मिला लें। इससे अब सिर की मालिश करनी है सप्ताह में 2 बार। बाल लंबी उम्र तक काले और घने बने रहेंगे। मेलानिन ये केमिकल है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है। जब ये रक्त में जास्ती होता है मेलानिन, तो बाल एकदम काले होते हैं, एकदम काले। जब ये रक्त में मेलानिन कमी होता है, तो बाल सफेद होना शुरू होते हैं। जानते हैं तीसरा नुस्खा बालों को काला बनाने के लिए। सूखे आंवले को पानी में उबालें। इस पानी को इतना उबालें कि वह आधा रह जाए। अब इसमें मेहंदी और नींबू का रस मिलाकर बालों पर लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से असमय बालों का पकना रुक जाता है। दोस्तों, जानते हैं चौथा तरीका, मेथी के दानों को पीसकर मेहंदी में मिला लें। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है, और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है, मेहंदी में कुछ केमिकल है जैसे कैल्शियम भरपूर है, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती है, जैसे बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी। इसमें तुलसी की पत्तियों का रस और सूखी चाय की पत्तियों को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों पर लगातार 2 घंटे तक रखें। फिर किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लें। बहुत ही फायदेमंद होगा ये मिश्रण अपने बालों में लगाना। दोस्तों, आइए जानते हैं पांचवा फॉर्मूला। आधा कप नारियल तेल या जैतून के तेल को हल्का सा गर्म कर लें। इसमें 4 ग्राम कपूर मिला लें। जब कपूर पूरी तरह से घुल जाए, तो इस तेल से हमें मालिश करनी है। इस तेल की मालिश सप्ताह में 1 बार तो जरूर ही करनी चाहिए। कुछ ही समय में जो बालों में रूसी हो गई है, वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जानते हैं बालों से जुड़ा ये अगला नुस्खा, नारियल तेल में थोड़ा सा दही डालकर सिर पर मालिश करें। इससे बाल 2 मुहे नहीं होंगे, साथ ही गिरना भी बंद हो जाएंगे।
आइए दोस्तों जानते हैं अगला तरीका बालों को स्वस्थ रखने का। गुड़हल के फूलों को पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों पर लगाएं। यह पेस्ट एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इस पेस्ट का लगातार उपयोग करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगला तरीका जानते हैं दोस्तों बालों को हेल्दी रखने का। बालों में सप्ताह में एक बार तिल का तेल जरूर लगाएं। इस तेल के लगातार उपयोग से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तिल का तेल तो समझते हैं आपको, और तिल में दो तरह का तेल आता है, एक काले तिल का तेल और एक सफेद तिल का तेल। जो काले तिल का तेल है वो सबसे अच्छा है। अब हमारा अगला तरीका है बालों को काला रखने का। जो लौकी होती है ना, लौकी जिसको घिया भी कहा जाता है, तो लौकी या घिया को सुखाकर नारियल के तेल में उबाल लें। इस तेल को छानकर बोतल में भर लें। अब इस तेल की मसाज करें अपने बालों में, जिससे वे काले हो जाएंगे। आधा कप दही में 1 ग्राम काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं। इससे भी हमारे बालों को बहुत फायदा मिलता है। अमरूद की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अगर हम बालों में लगाएं, तो इससे भी हमारे बाल स्वस्थ हो जाते हैं। एक और नुस्खा जानते हैं दोस्तों। आंवले के साथ आम की गुठली को पानी में मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को बालों में लगाकर 1 घंटे बाद धो लें। से बहुत ही अच्छे हो जाएंगे हमारे बाल। दोस्तों काली अखरोट को अगर हम पानी में उबाल कर उस पानी को ठंडा करके उससे बाल धोएं, तो कम उम्र में सफेद हुए बाल फिर से काले हो जाएंगे। बालों को हमेशा ठंडे और साफ पानी से धोएं। यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली और सावधानी बरतने वाली बात है। हरे आंवले का पेस्ट बनाकर बालों की जड़ में लगाएं, या आंवला पाउडर में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं। आंवले का रस, नींबू का रस और बादाम का तेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे भी बहुत फायदा मिलेगा बालों को। अगला तरीका जानते हैं बालों को हेल्दी रखने का। मेथी दानों को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह मेथी दाने को दही में पीसकर बालों में लगाएं और 1 घंटे के बाद धो लें। मेथी दाने में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और दही में कंडीशनर के गुण होते हैं, तो ये दोनों ही चीजें बालों को बहुत ही सुंदर और चमकदार बना देती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं अगला नुस्खा बालों को काला रखने का। 1 नींबू के रस में उतना ही पानी मिलाकर एक मिश्रण बना लें। शैम्पू करने के बाद बालों में इस मिश्रण को डाल लें। कुछ देर रहने दें और फिर साफ पानी से बालों को धो लें। इससे भी बाल बहुत ही अच्छे काले और चमकदार हो जाएंगे। नारियल तेल में थोड़ा सा दही डालकर सिर पर मालिश करें। इससे बाल दो मुहे नहीं होंगे और साथ ही गिरना भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों हम बहुत सारे नुस्खे आपको बता रहे हैं, बहुत सारे इलाज बता रहे हैं बालों को स्वस्थ रखने का, उनको काला रखने का, खुश्की को दूर करने का, बाल झड़ने से बंद करने का। अब आप अपनी समस्या के अनुसार अपना नुस्खा चुन सकते हैं, अपना इलाज चुन सकते हैं। हमारा कार्य है आपको इलाज बताना, आपका कार्य है उस पर अमल करना। दोस्तों आइए जानते हैं आज का आखिरी उपाय बालों को काला करने का। आंवले के कुछ टुकड़ों को नारियल तेल में उबाल लें। तेल को इतना उबालें कि आंवला काला हो जाए। अब इस तेल को रोजाना बालों में लगाने से सफेद बाल फिर से काले हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की बालों से संबंधित रोगों की, किस तरह से बालों को काला रखें, सफेद हुए बालों को काला कर लें फिर से, और दो मुहे बालों का इलाज, बालों के झड़ने का इलाज। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने वीडियोस में राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताए गए आयुर्वेदिक टिप्स को, उनके इलाज को और फॉर्मूलास को डिस्कस करते हैं। यदि कोई समस्या है जो आपको भी परेशान कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे जरूर बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इलाज के साथ। तब तक नमस्कार।